नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyrb.com के आज के YouTube वीडियो में। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। दोस्तों डिस्कस करने से पहले जल्दी से आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, आज का टॉपिक देख लेते हैं क्या है और इसमें आयुर्वेद का क्या योगदान है। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे हनुमान जी, जिनको कि संकट मोचन भी कहा जाता है। इनके विभिन्न 12 नाम हैं जिन्हें लेने से हर विपदा दूर होती है। तो भगवान का नाम तो वैसे ही दोस्तों लेंगे तो दष्ट आपके नजदीक भी नहीं आएंगे। और बजरंग बली कलयुग के देवता हैं। भगवान राम के भक्त हनुमान अपने भक्तों की हर विपदा को दूर करते हैं, ऐसी ही महिमा है बजरंग बली के 12 नामों की। तो कहा जाता है कि बजरंग बली के अंजन सुत, वायुपुत्र, महाबल, रमेष्ठ, फागुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उद्यक्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव, दुपरहा प्रमुख 12 नाम बहुत ही प्रभावशाली हैं। सुबह पूजा के समय और कोई भी नया काम शुरू करने से पहले इन नामों को लेने से हर विपदा शांत होती है और हर विपदा का नाश होता है। तो दोस्तों इस बारे में अगर आप ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट onlyrb.com पर जाकर के देख सकते हैं, उसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी। और हनुमान जी के लिए, हनुमान जी का नाम लेने के लिए क्या मंत्र जो है जपे जाते हैं, इन्हें कैसे जपा जाता है और क्या डिटेल है, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। तो दोस्तों आप जरूर करके देखें, भगवान का नाम तो हम लेते ही हैं, तो अभी जरूर करके देखें। और आपको अगर कोई शंका है या आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, तो वो हमारे साथ जरूर शेयर करें।